आज हम पकड़ेंगे बहुत सारी मछलियाँ। ये तो बहुत सारी हैं। वाओ, ये सारी तुमने पकड़ी हैं क्या? मछलियाँ पकड़ने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी है जो मेरे घर के पीछे ही है, और जगह मैंने ढूंढी। माना जगह तुम्हारी थी, पर पकड़ा तो इन्हें मैंने ही है। ठीक है, खाना खाने के बाद फिर वहाँ चलेंगे। डोरेमोन, क्या हम भी प्लीज मछलियाँ पकड़ सकते हैं? हाँ, बहुत मजा आएगा। हम लोग भी खाना खाने के बाद चलेंगे, ठीक है? तुम कहीं नहीं जाओगे। मॉम, जाने दीजिए ना। लोबिता, मैं तुम्हें जाने दूँ जो सड़क पर चलते हुए भी गिर जाता है? बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तुम नदी पर बिल्कुल नहीं जाओगे, समझ गए तुम लोबिता? बिल्कुल सही, मुझे लगता है आप ठीक ही कह रही हैं मॉम। मैं कम से कम एक बार तो मछलियाँ जरूर पकड़ना चाहता हूँ डोरेमोन। चाहता तो मैं भी हूँ। मेरे पास एक गैजेट है। क्या है वो? हाँ, स्ट्रोमैट फिशिंग स्पॉट। ये कैसा गैजेट है? इसकी मदद से हम घर पर बैठे बैठे ही फिशिंग कर सकते हैं, वो भी घर के पीछे वाली नदी में। अरे, ये पेपर तो पानी जैसा हो गया। घर के पीछे वाली नदी घर पर आ गई। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं फिशिंग स्टिक लेकर आता हूँ। हाँ, तुम नदी पर नहीं जाओगे। हम वहाँ नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए मॉम। अच्छा ठीक है। हम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम नदी पर नहीं जाओगे। नहीं जा रहे। हम तो बस मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। हाँ? ठीक है, मैं तो बहुत सारी पकड़ूंगा। चलो मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन ज्यादा पकड़ेगा। ठीक है। हाँ? अरे, इतनी देर हो गई, एक भी मछली नहीं आई। इतनी देर कहाँ हुई है? अभी तो बस थोड़ी सी देर हुई है, थोड़ा इंतजार तो करो। मछली पकड़ने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। इंतजार, 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 और कितना इंतजार करूँ? मैं देखता हूँ अंदर मछलियाँ है भी या नहीं। अरे, ये क्या कर रहे हो? काफी सारी मछलियाँ हैं। हमने इतनी देर में एक भी मछली नहीं पकड़ी क्योंकि तुम्हारा गैजेट ही खराब है। हाँ हाँ, अब तो तुम मेरे गैजेट को ही खराब कहोगे। अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरा गैजेट निकालता हूँ। ये वाला ठीक है? ये क्या है? हैंड लीडर। हाँ? अगर इस हैंड लीडर को पानी में मछली दिखेगी तो ये उसे अपने आप पकड़ लेगा। चलो तो फिर मछली पकड़ना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी, ठीक है? ये पकड़ लिया। चलो और पकड़ते हैं। अरे, लगता है बहुत बड़ी है। ज्यादा ही बड़ी। खींचो। अच्छा ठीक है। बंद कर देता हूँ। बाल बाल बच गए। जियान, जियान। अरे जियान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम नदी में क्यों कूद गए? मुझे किसी ने यहाँ खींचा था। हो ना हो, ये काम जरूर नोबिता और डोरेमोन का ही है। कहीं तुम कोई सपना तो नहीं देख रहे थे जियान? कहीं मैं सपने में तो नहीं गिर गया था? अब क्या करें? किसी और नदी पर सेट करता हूँ। पर ध्यान से, कहीं जियान वापस ना आ जाए। मछलियाँ पकड़ने में कितना मजा आ रहा है। फिर से मुकाबला शुरू करें? मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। मैं ही जीतूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ। कोई मछली आती क्यों नहीं? हैंड लीडर से भी मछली क्यों नहीं पकड़ी जा रही? अरे रुको, मैं फिर से चेक करता हूँ। डोरेमोन, यहाँ एक भी मछली नहीं है, जरा देखो तो। ये तो गहरा भी नहीं है। अरे हाँ, एक आइडिया आया डोरेमोन, इसे किसी फिशिंग स्पॉट से जोड़ देते हैं। लेकिन किससे जोड़ेंगे?
हम इसे समुद्र से क्यों नहीं जोड़ देते? अच्छा आइडिया है, समुद्र में तो हमें बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा। अरे वाह, ये तो समुद्र है, लहरें आ रही है। अरे वाह, इसमें झांक कर तो देखो कितनी मछलियाँ हैं। ठीक है, देखता हूँ। देखो डोरेमोन, यहाँ कितनी अलग अलग और रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। और अंदर जाकर देखता हूँ। इतना अंदर जाने को किसने कहा था? तुम भी कमाल करते हो नोबिता। पकड़ने के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। अरे वो तो होंगी ही ना, लेकिन अगर तुम इसमें गिर जाते तो मेरा क्या होता? मैं क्या करता? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराऊं क्यों नहीं, तुम तो सड़क पर चलते हुए भी गिर जाते हो ना। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो गिर। लगता है अब नोबिता को इस गैजेट की जरूरत है। हा? इसे शरीर पर लगाकर वाटर लेवल या ठंडे पानी की कोई चिंता नहीं रहती। सबमरीन सी क्रीम। इसे अपनी नाक पर लगाकर हम पानी में भी सांस ले सकते हैं। फिन ट्यूब। हाँ? अब अगर तुम पानी में गिर भी जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लगा लो। सुनो, अब तो हमने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है ना, क्यों ना पानी के अंदर जाकर ही मछलियाँ पकड़े। आइडिया तो बुरा नहीं है, इसलिए चलो अंदर चले। एक एक करके सारी पकड़ लेंगे। एक एक करके मजा नहीं आ रहा, क्यों ना हम एक ही बार में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लें। एक बार में बहुत सारी। बिग लाइट। लगता है कम से कम 100 पकड़ ली होंगी। ये तो चीटिंग है डोरेमोन, मेरा गैजेट भी तो बड़ा करो ना। ये लो। ठीक है, एक दो। तो बस बहुत सारी मछलियाँ पकड़ना चाहता था। हाँ, वो देखो। ये तो डूबा हुआ शिप है, चलो इसके अंदर छुप जाते हैं। देखने में ये शिप काफी पुराना लगता है ना नोबिता। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है डोरेमोन, इस शिप के अंदर खजाना छुपा हुआ होगा। अरे तुम भी ना नोबिता, खजाना इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। हमें खजाना मिल गया। मैं कह रहा था ना, हम तो यहाँ मछली ढूंढने आए थे, लेकिन देखो हमें खजाना मिल गया। चलो चले। काफी बड़ा बॉक्स है, मुझे यकीन है खजाने से भरा हुआ होगा। मुझे भी ऐसा लगता है। दम लगा के हईशा खुल जा। ये तो खजाना नहीं है। ऑक्टोपस, ये हमें खा जाएगा। तो इससे पहले कि ये हमें खाए, हम इसे खा जाएंगे। नोबिता,
सच में मुझे बुरा लगता है। मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा डोरेमोन। ये हुई ना बात नोबिता। हाँ तो मैं स्कूल जाना ही छोड़ देता हूँ, काम खत्म। क्या कहा तुमने? ऐसा करने से ना मॉम को गुस्सा आएगा, ना सर मुझे डांटेंगे और ना ही तुम मुझ पर चिल्लाओगे डोरेमोन। इस बार तो मैं स्कूल छोड़कर ही रहूँगा। इस लड़के को मैं कितना भी समझा लूँ ये कभी नहीं सुधरेगा। हाँ? अब मुझे स्कूल छोड़ने का नोटिस दे देना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो बताओ? मॉम मॉम आपको पता है नोबिता कह रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। ये तो कह रहा है वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि आज संडे है। अरे नोबिता तुम मुझे पहले ही बता देते कि संडे है। अब जल्दी से दोनों नाश्ता कर लो क्योंकि मुझे ढेर सारे काम निपटाने हैं, समझे? ठीक है मॉम। मॉम का मूड सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा ना। समझ गया, शायद मॉम डैड से गुस्सा है। शिजुका के घर चले क्या? वहाँ जाकर भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। मैं आज बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। रोजाना मैं एक ही काम करता हूँ, बस बहुत बोर हो गया हूँ। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, बस कुछ अलग, तुम समझ रहे हो ना? अब मैं नोबिता को कैसे खुश करूँ? आइडिया ये ठीक रहेगा, फर्स्ट टाइम स्टैम्प। चलो चलो अब चलते हैं शिजुका के घर नोबिता। शिजुका हम आ गए, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो, इससे क्या होने वाला है? देखते जाओ। अरे नोबिता तुम अपना कमाल दिखाओ। तुम्हारा स्वागत है। अरे तुम शिजुका। हाँ बोलो, क्या बात है नोबिता? तुम कितनी अच्छी हो शिजुका, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन मुझे लगता है तुम एक अच्छी इंसान भी हो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ। तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है। अरे वाह, यकीन नहीं होता मुझे अचानक से इतनी अच्छी दोस्त मिल गई। क्या सच में? ये गेम में कितना मजा आ रहा है। पर ये गेम तुमने पहले भी तो खेला है ना? ये गांव में कितनी फनी है, इसे तो तुम बहुत बार पढ़ चुके हो। नोबिता क्या तुम यहीं पर खाना खाओगे बेटा, बताओ? मैं शिजुका के घर खाना खा सकता हूँ? ये तो सपने जैसा है, मैं जरूर खाऊंगा। वैसे खाने में कुछ खास तो बना नहीं है। आंटी अब कितना अच्छा खाना बनाती हैं, अब तक आप थी कहाँ? पहली बार सनसेट देखकर कितना अच्छा लग रहा है, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है नोबिता, हर चीज को देखकर तुम खुश हो रहे हो और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ऐसे ही खुश रहा करो। अच्छा आज का दिन कितना अच्छा था ना डोरेमोन, मजा आया ना? हे नोबिता, तुम आज फिर हमारे साथ खेलने नहीं आ पाए, क्यों है ना? फिर से तुम भूल गए ना नोबिता? जियान सनिया, ये तुम्हारी छोटी छोटी आंखें, तुम कितने ताकतवर हो। तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई जियान और सनिया। क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे जल्दी। नोबिता क्या कर रहे हो, हट जाओ। इसका असर तो अभी चल रहा है, एक आईडिया आया, अब आएगा असली मजा। नोबिता मेरा सबसे प्यारा दोस्त। नोबिता हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे। ये तो एक डॉगी है। कितना प्यारा है ना, कितना सुंदर है, इसके बाल कितने अच्छे हैं। हमारे क्यों दोस्तों, है ना मेरा गैजेट कमाल का। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमोन।
अगर तुम गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते तो जियान मेरी आज बहुत पिटाई करता। ये तो तुमने सही कहा नोबिता, लेकिन मेरा गैजेट कमाल का है ना? सिर्फ एक स्टैंप लगानी है और तुम्हें लगता है कि तुम उस इंसान से पहली बार मिल रहे हो। क्या करती हो तुम? आपने क्या किया? हाँ देखो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले आप ये बताइए कि आपने क्या किया। वही जो हमेशा करता हूँ। आपने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। तुमने भी ठीक नहीं किया। क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? मुझे जो करना है वही करूँगी। पहले आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ करते थे। आप बहुत समझदार थे और सबसे कितना प्यार किया करते थे। तुम भी तो ऐसी नहीं थी। शुरू शुरू में कितनी समझदारी से बात किया करती थी, कितना ख्याल रखती थी तुम सबका। मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि तुम जैसी वाइफ मुझे मिली। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मैं अब आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। सब ठीक हो गया। तुम कल सुबह भी ये स्टैंप अपने आप पर लगा लेना, फिर तुम्हारा स्कूल जाने का मन करेगा। तुम सुन रहे हो ना? ए नोबिता, सुन रहे हो कि नहीं? पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। शुरू शुरू में सब कुछ कितना अच्छा हुआ करता था ना? बहुत अच्छा। पर मुझे ये याद नहीं, जब मैं पहली बार स्कूल गया था तो मुझे कैसा लगा था? क्या मैं बहुत खुश था? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे हाँ, मैं टाइम मशीन में जाकर चेक करता हूँ। स्कूल में एडमिशन के एक दिन पहले चलो। अरे ये कौन हंस रहा है? किसी छोटे बच्चे की आवाज लगती है, पर हमारे घर में छोटा बच्चा? मैं आज बहुत खुश हूँ। ये तो मैं हूँ। ये कल मेरा फर्स्ट। अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये कब से अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगे घूम रहा है? स्कूल जाने के लिए कितना खुश है ना ये। पापा, क्या नए स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। वहाँ पर टीचर्स मुझे बहुत सारी चीजें सिखाएंगे ना मॉम? हाँ हाँ बिल्कुल सिखाएंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब जल्दी से अपना बैग उतार दो। ठीक है, कल स्कूल है, कल स्कूल है। अच्छा, अब जल्दी से सो जाओ। अगर सोओगे नहीं तो सुबह जल्दी उठकर स्कूल कैसे जाओगे नोबिता? ठीक है, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। वक्त कितनी जल्दी से गुजरता है ना। कुछ दिनों पहले ये कितना छोटा सा बच्चा था और आज देखो धीरे धीरे ये कितना बड़ा होता जा रहा है ना। उम्मीद करता हूँ कि स्कूल ही वो जगह है जहाँ नोबिता हमेशा खुश रहेगा। स्कूल जाने के एक दिन पहले मैं कितना खुश था, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो ये सब कुछ कब से हो गया? मैं ऐसा क्यों हो गया? उठ जाओ! पता है वक्त क्या हो गया है? अरे तुम तो पहले से ही उठे हुए हो। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें स्कूल भेज कर ही रहूँगा। अब तुम देखना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? मॉम मेरी बात सुनिए, नोबिता फिर से शुरू हो गया। वो कह रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। मॉम डैड, आपने सुना मैंने अभी अभी क्या कहा? हाँ हाँ सुन लिया डोरेमोन। ये कोई नई बात तो है नहीं हमारे लिए। मैं क्या करूँ? अरे आज तो नोबिता को स्कूल जाना है, आज उसका पहला दिन है। पहले दिन आज उसे स्कूल टाइम पर पहुँचना चाहिए। अरे लेकिन मैंने अभी तो बताया, उसने कहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। मैं उसे अभी लेकर आऊं। अरे तुमने बैग क्यों टांगा हुआ है? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, स्कूल से नफरत करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है डोरेमोन।
अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा और मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, तुम देखना। क्या कहा तुमने? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा कहा। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये कुछ ज्यादा हो गया डोरेमोन। नोबिता, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? नोबिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नोबिता? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। सच में कितना बड़ा हो गया है। बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे गैजेट ने तो कमाल ही कर दिया। गाड़ियों से बचकर जाना, अपना ख्याल रखना, मन लगाकर पढ़ना, ठीक है? और अगर तुम्हें भूख लगे तो टीचर्स को बता देना। बस भी करिए मॉम।